अडेप्टेशंस, फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे अडेप्टेशन का। द मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल दैट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। इसका मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजिकल माने क्या है? जो फिजिकल अपियरेंस में चेंजेस होते हैं, जैसे पांव, नाक, आंख में, वो उनको मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल माने क्या है? जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनमें जो चेंजेस, लाइक फंक्शंस माने सर्कुलेटरी फंक्शन, किडनी का फंक्शन, यूरिनरी फंक्शन, वो सबको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। बिहेवियरल माने बिहेवियर में चेंज होना, जैसे अगर आपको बहुत ठंड हो गया तो आप क्या करेंगे, स्वेटर, तो बिहेवियर चेंज करना। तो जब भी ये मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस ऑर्गेनिज्म में होते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके उसके हैबिटेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशंस बोलते हैं। तो हैबिटेट माने क्या है? हैबिटेट सिंपल टर्म्स में क्या है, द नेचुरल होम ऑफ एनिमल और प्लांट, वो उसका नेचुरल होम रहता है। या बहुत अच्छी तरह से बोलना है तो इट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव्स। इसका मतलब है ये ऐसा टाइप ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, एक स्पीशीज जहाँ पे उसको रिसोर्स भी है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, उसका हैबिटेट वो हो जाता है। तो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे तो ये बेसिक्स है, टाइप्स ऑफ हैबिटेट सभी को आना चाहिए। क्या है टाइप्स ऑफ हैबिटेट, तभी हमको अडेप्टेशंस मालूम हो जाएंगे। सो टाइप्स ऑफ हैबिटेट आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है टेरेस्ट्रियल टाइप, जीरिक, टेरेस्ट्रियल टाइप, जीरिक टाइप, आर्बोरियल, एम्फीबियन, एक्वाटिक, पोलर। टेरेस्ट्रियल टाइप माने क्या? जो लैंड के ऊपर रहते हैं, जो भी एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। जो भी एनिमल्स या प्लांट्स जो डेजर्ट में रहते हैं उसको जीरिक बोलते हैं। आर्बोरियल माने क्या? जो एनिमल्स ट्रीज के ऊपर, पेड़ों के ऊपर रहते हैं उसको आर्बोरियल कहते हैं। एम्फीबियंस माने क्या? जो भी एनिमल्स पानी में भी रहते हैं और धरती के ऊपर भी रहते हैं उसको एम्फीबियंस बोलते हैं। एक्वाटिक माने क्या? जो भी एनिमल्स सी या पानी में रहते हैं उसको एक्वाटिक बोलते हैं। पोलार माने क्या? जो भी एनिमल्स आर्कटिक रीजियन, अंटार्कटिका या जो बहुत आइस में, पोलार रीजन में रहते हैं उसको पोलार हैबिटेट बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ हैबिटेट, यहाँ यहाँ एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है। तो बुक में क्या है, जीरिक के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया है, बाकी किसी का उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, पर मैं बोलती हूँ आपको याद रखने का, 10th बुक में है। टेरेस्ट्रियल माने क्या? एलिफेंट्स आ जाते हैं, लायंस आ जाते हैं, कैमल्स आ जाते हैं, पर कैमल क्या हो जाता है, जीरिक हो जाता है क्योंकि वो डेजर्ट में रहता है। तो ऐसे जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल, उसका अडेप्टेशन आपको मालूम है। वो जीरिक में अभी हम देखेंगे क्या क्या आता है। जीरिक में आता है कैमल, कैंगरू रैट, फिर वो सभी ओपेंशिया, कैक्टस, वो सब आते हैं। आर्बोरियल माने क्या? मंकी, मंकीज, स्क्विरल्स, जो पेड़ के ऊपर रहते हैं। मंकी माने क्या? बंदर और स्क्विरल, और उसके बाद ये स्लॉथ, इंग्लिश में मुझे मालूम है स्लॉथ, पर हिंदी में मुझे मालूम नहीं स्लॉथ को क्या कहते हैं। वो आइस एज का पिक्चर देखा होता तो आपको स्लॉथ क्या है मालूम होता है। वो एक स्लॉथ रहता है, उसका नाम उस पिक्चर में, आइस एज में उसका नाम सिड है। वो लायन, वो टाइगर और वो एलिफेंट, टाइगर का नाम डिएगो है, एलिफेंट का नाम मैनी है, उनके साथ वो घूमता रहता है। वो सिड जो है ना, वही स्लॉथ है। तो अगर आप वो मूवी देखेंगे तो आपको स्लॉथ क्या है करके मालूम हो जाएगा। वो आर्बोरियल है, उनके पास क्या क्या अडेप्टेशंस है। मंकी के पास क्या क्या है, लॉन्ग लिम्स, लॉन्ग पाव हाथ है, और प्रिहेंसाइल टाइल। प्रिहेंसाइल टाइल माने, टेल माने क्या है, जिस टेल से वो ब्रांचेस को होल्ड कर सकता है। तो वो सब आर्बोरियल अडेप्टेशंस होते हैं। एम्फीबियन अडेप्टेशंस आपको मालूम है कि ऐसे फ्रॉग, उनके पास सब क्या रहता है, वो लैंड में भी रहता है और पानी में भी रहता है। क्रोकोडाइल भी लैंड में भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो उनके पास गिल के बदले में लंग्स हो गया, और उनका जो चमड़ा रहता है उनके ऊपर बहुत सिल्की स्लाइमी रहता है। तो ये सब अडेप्टेशंस है उनका। एक्वाटिक मैं बोलना नहीं चाहता,
चाहती हूँ, क्योंकि फिशेस के बारे में आपको मालूम होगा क्या क्या है उनके अडेप्टेशंस। अभी हम पोलार एनिमल्स को लेंगे। पोलार एनिमल्स में अडेप्टेशंस क्या क्या है? पोलार एनिमल्स में आप पोलार बेयर लीजिए, वो वाइट कलर है। क्यों? क्योंकि प्रिडेटर्स उसको आके अटैक नहीं करने का। उसके पास क्या है, बहुत फर रहता है ताकि उसको बहुत कोल्ड ठंडा फील नहीं होता। उसके पास क्या रहता है, फैट रहता है, 2-3 लेयर चमड़े के नीचे फैट रहता है ताकि उसको ठंडा ना लगे। तो उसके पास ऐसे एक और पेंगुइन में क्या अडेप्टेशन है, वो भी पोलर रीजन में ही रहता है। उसका स्किन देखा कैसा रहता है, बहुत ही सिल्की रहता है ताकि वो जब भी पानी में जाके बाहर आए, वो ऐसे ऐसे शेक करने से पानी सब गिर जाता है, उसको एवोपरेशन के प्रोसेस में वो निकालना नहीं पड़ता। और उसके पास क्या रहता है, उसका फीट वेब्ड रहता है, वेब रहता है ताकि वो स्विम करे। तो ये सब टाइप्स ऑफ हैबिटेट, ये क्यों मैं बताया, क्योंकि ये बेसिक होता है, इतना तो मालूम ही होने का आपको हैबिटेट्स के बारे में, क्योंकि ये छोटे क्लासेस में पढ़ाता हमने। तो अभी हम बुक में क्या दिया है वो अडेप्टेशंस को जाएंगे। तो बुक में डेजर्ट वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया है। पहला है कैंगरू रैट, वो कहाँ पे रहता है, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में रहता है। और उसके बारे में दो चीज है आपको याद रखने का, क्या है, जब भी वाटर कम है वो क्या करता है कैंगरू रैट, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन कर लेता है। तो ये इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन में वाटर उसका बाई प्रोडक्ट है, तो उसको वाटर मिल जाता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखने का, वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन करता है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन माने क्या, कॉन्सेंट्रेटेड जब भी हमारे किडनी फिल्टर करता है, किडनी वेस्ट भी फिल्टर करता है, पानी भी फिल्टर करता है। तो थोड़ा अगर 100 ग्राम वेस्ट है तो उसको कितना पानी चाहिए, 500 आधा लीटर पानी चाहिए होगा यूरिन से निकालने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाता है, वही 100 ग्राम वेस्ट को कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन माने 200 मिलीलीटर पानी में निकाल देना, क्या पाव लीटर पानी में निकाल देना, उसको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बताते हैं। तो ये एनिमल के पास कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन करने का मैकेनिज्म है, तो वाटर उसके पास प्रिजर्व हो जाता है। नेक्स्ट ज़ेरोफाइट्स, डेजर्ट प्लांट्स के बारे में उसने बोला है क्या क्या अडेप्टेशंस होता है। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने का ही, कौन सा भी एक एमसीक्यू हो जाता है। सो डेजर्ट प्लांट्स में थिक क्यूटिकल देख सकते हो, क्यूटिकल माने वो आउटर लेयर ऑफ द प्लांट स्टेम के ऊपर रहता है, तो वो बहुत थिक रहता है ताकि पानी नहीं जा सके। स्टोमेटा माने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने। यूजुअली स्टोमेटा कहाँ रहने का, वो जो लीफ रहता है ना, पत्ता के नीचे सरफेस में रहने का, पर यहाँ पे स्टोमेटा कहाँ है, पिट्स अंदर रहता है, पिट्स में, ताकि पानी ट्रांसपिरेशन से बाहर नहीं जाए। और लीव्स कैसा हो जाता है डेजर्ट प्लांट्स में, लीव्स स्पाइन जैसा हो जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, ओपेंशिया एक डेजर्ट प्लांट है। और फोटोसिंथेटिक पाथवे इन्होंने दूसरा ले लेते हैं, CAM पाथवे ले लेते हैं फोटोसिंथेटिक में। ये पाथवे का खास क्या है, इस पाथवे में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं ड्यूरिंग डे, ये CMA पाथवे ये ले लेते हैं। लास्ट क्या है, फ्लैटेंड स्टेम्स रहते हैं इनको, और ये फ्लैटेंड स्टेम्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं डेजर्ट प्लांट्स में। नेक्स्ट हमारे बुक में क्या दिया गया है, डेजर्ट लिजर्ड। ये डेजर्ट लिजर्ड क्या करता है, जब भी उसको टेम्परेचर ज्यादा करना है तो वो क्या करता है, सन में आके बास्क करता है, और टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है उसको। और जब भी टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो वो क्या करता है, शेड के नीचे भाग जाता है। सो टू कूल, मालूम हो गया, सन में बास्क करना माने सन बाथ लेना जैसा करता है वो लिजर्ड, जब भी उसको उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो। और अगर एनवायरनमेंट टेम्परेचर बहुत हो गया, सोचो आप डेजर्ट में, तो वो क्या करता है, कहीं पे भी उसे शेड मिलता है, पत्थर के नीचे या कौन सा भी जगह उसको शेड मिलता है, वहां पे भाग जाके अपना टेम्परेचर को कम कर देता है। ये डेजर्ट लिजर्ड का अडेप्टेशन है। बाद में डेजर्ट में बरोइंग भी देख सकते हैं। बरोइंग माने क्या, वो डेजर्ट के अंदर, रेत के अंदर रहना, कुछ एनिमल्स जैसा माइस, चूहा डेजर्ट में, वो सब डेजर्ट के अंदर बरो करके रहते हैं। तो ये सभी डेजर्ट का अडेप्टेशन हो गए।
नेक्स्ट हम ये अडेप्टेशंस में थोड़ा रूल्स है, ये रूल्स के बारे में जाएंगे। तो पहला है एलन्स रूल। एलन्स रूल माने क्या? एनिमल्स इन पोलर और वेरी कोल्ड क्लाइमेट हैव शॉर्टर लिम्स एंड एक्सट्रीमिटीज। क्या बोल रहा है ये? जो भी एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं या वेरी कोल्ड एनवायरमेंट में रहते हैं, उनके पास एक्सट्रीमिटीज माने क्या है? पांव, हाथ, फिंगर्स, ईयर्स, नोज टिप, ये सब क्या हो जाता है? एक्सट्रीमिटीज हो जाता है। वो सभी छोटे रहते हैं, उनको बहुत छोटे छोटे रहते हैं। नेक्स्ट ब्रेगमैन्स रूल है। ब्रेगमैन्स रूल माने क्या है? ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट कोल्डर क्लाइमेट्स टेंड टू बी लार्जर एंड थिकर देन दोज लिविंग इन वार्म क्लाइमेट्स। इसका मतलब है जो भी ऑर्गेनिज्म कोल्डर क्लाइमेट में रहता है वो बहुत लार्ज, मोटा रहता है, बड़ा रहता है और उसका चमड़ा भी थिक रहता है। वार्म किससे थिक रहता है, किससे मोटा रहता है? वो जो भी वार्म क्लाइमेट में रहते हैं उनसे, जो भी कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनका बॉडी बहुत लार्ज होता है और थिक रहते हैं। लास्ट एक और रूल है, ये फॉस्टर्स रूल और आइलैंड रूल और इको जियोग्राफिकल रूल भी बोलते हैं। फॉस्टर्स रूल, आइलैंड रूल और इको जियोग्राफिकल रूल, इको जियोग्राफिकल रूल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज बिकम स्मॉलर और लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन रिसोर्सेस अवेलेबल। ये क्या बोल रहा है? एक स्पीशीज का मेंबर्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, डिपेंड किसके ऊपर? डिपेंड करके उसका रिसोर्सेस, खाने का सामान मिल रहा है कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करके वो छोटा भी अडेप्ट हो जाता है, वो बड़ा भी अडेप्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है पिग्मी मैमोथ। मैमोथ माने वो एलिफेंट, वो जो आइस एज में एक एलिफेंट आता है ना, उसको मैमोथ बोलते हैं। हमारे इंडियन एलिफेंट डिफरेंट रहता है, वो जो यूजुअली मैमोथ्स अफ्रीकन एलिफेंट्स है, तो वो पिग्मी मैमोथ इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम अक्लमेटाइजेशन माने क्या है पढ़ने का। अक्लमेटाइजेशन माने जैसे अगर हम एल्टीट्यूड माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले गए, तब हम वहां पे 2-3 दिन रहे, तब हमारा बॉडी अक्लमेटाइजेशन दिखाता है। तो उसका मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू द चेंज इन एनवायरनमेंट टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज। माने ये एक प्रोसेस है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपना चेंज्ड एनवायरनमेंट के लिए एडजस्ट हो रहा है ताकि वो नॉर्मल जैसा एक्टिविटीज कर सके। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपको याद रखने का? इट अकर्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अक्लमेटाइजेशन जब हम माउंट एवरेस्ट को जाते हैं, कुछ 2-3 दिन लेता है हमारा बॉडी अक्लमेटाइज होने के लिए, कुछ लोगों को थोड़ा वीक्स भी ले सकता है। और इट हैपन्स इन द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। माने वो लाइफ टाइम माने जितना दिन वो जिंदा रहता है वो ऑर्गेनिज्म, उतने दिन में ही अक्लमेटाइजेशन हो जाता है बोल रहा है। क्योंकि जो अडेप्टेशंस है, जब हम पढ़ते हैं अक्लमेटाइजेशन और अडेप्टेशन, अडेप्टेशंस क्या हो जाता है, कुछ ये एनवायरमेंट के वजह से, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, सभी में नहीं, एनवायरमेंट के वजह से कुछ म्यूटेशन होके, अडेप्टेशन होके, वो फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन में उसका रूप बदलता है। लाइक एग्जाम्पल जिराफी, जिराफी कैसे वो उसका गर्दन उतना लंबा हो गया, वो एक अडेप्टेशन है। क्योंकि वो कैसे दिखा, हर एक जनरेशन के बाद में दिखा, पर अक्लमेटाइजेशन ऐसा नहीं, विद इन द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है और विद इन शॉर्ट पीरियड। तो पहला आएंगे हम वो एल्टीट्यूड सिकनेस। तो एल्टीट्यूड सिकनेस कब होता है? जब आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, विद इन आवर्स होता है, जब आप वो हाइट पे रहते हैं कुछ ही घंटों में एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। क्या होता है उसमें? इट इज अ कंडीशन अकरिंग एट हाई एल्टीट्यूड। उसमें हमको नौजिया माने क्या? उल्टी करने जैसा फीलिंग आना। नौजिया माने क्या? उल्टी जैसा करने वाला फीलिंग, वॉमिटिंग नहीं, फीलिंग आना। फेटीग माने क्या? बहुत टायर्ड होना। और हार्ट पैल्पिटेशंस माने क्या? हमारा हार्ट फट 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 करके बीट करना।
तो ये सब क्या हो जाता है, एल्टीट्यूड सिकनेस। क्यों ऐसा होता है, कॉज क्या है उसको, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन बहुत कम रहता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत कम रहता है। तो क्या हो जाता है, बट स्लोली बॉडी विल अक्लमेटाइज। इसका मतलब क्या है, 2-3 दिन या 1 सप्ताह 2 सप्ताह में हमारा बॉडी अक्लमेटाइज होता है और अपने आप को वो एनवायरमेंट को एडजस्ट करते हैं। तो कैसे अक्लमेटाइज होता है, बाय इंक्रीजिंग द आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, बाय डिक्रीजिंग द हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऐसे करके अक्लमेटाइज होता है। एक और अडेप्टेशन है जिसमें मैंने नई लिखा है, लाइक अडेप्टेशन ऑफ आर्की बैक्टीरियम। क्या है ये हॉट स्प्रिंग्स में रहता है। आर्की बैक्टीरियम कहाँ रहता है, हॉट स्प्रिंग्स, जहां पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, वहां पे भी ये आर्की बैक्टीरियम रहता है। वो ऐसे अडेप्ट हुआ है।